कैनन M50 Mark II वर्सेस सोनी A6400, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं इसी टॉपिक के बारे में, लेकिन किसी भी एक वीडियो ने अच्छा जॉब नहीं किया है, सॉरी टू से दैट, लेकिन सारे फीचर्स को ढंग से कंपेयर नहीं किया है। और अगर सारे फीचर्स को कंपेयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट है? तो मैंने सोचा मैं ही एक वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को कवर करूँगा, वो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी कवर करूँगा जो दूसरे वीडियोस में मिस कर दिए। एंड वीडियो के एंड में एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको सोनी A6400 लेना चाहिए या कैनन M50 का Mark II वर्जन का कैमरा लेना चाहिए। तो करना सिर्फ आपको सिंपल है, वीडियो को एंड तक देखना है और आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कैमरा इज़ बेटर फॉर यू। तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं बेसिक्स, यानी वो चीज़ें कवर कर लेते हैं जो दोनों कैमराज में एक्जैक्टली सेम है। दोनों ही कैमराज में 24 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर है, APS-C साइज का सेंसर है, दोनों के अंदर 4K सपोर्ट है, वाईफाई सपोर्ट है, बॉडी साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कैनन M50 थोड़ा सा बड़ा है, वाइड है, और सोनी का कैमरा थोड़ा कॉम्पैक्ट है। ऑलमोस्ट वेट भी दोनों का सेम है, सोनी का कैमरा इज लिटिल बिट हैवी, बहुत ज़्यादा सा हैवी है, एंड LCD एंड व्यू फाइंडर का रेजोल्यूशन जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोनों कैमराज के अंदर एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है। तो फिजिकल फीचर्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानना जरूरी है कि सोनी A6400 के अंदर सिर्फ टिल्ट अप डिस्प्ले आता है, यानी आप डिस्प्ले को टिल्ट अप करके ही देख सकते हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे टिल्ट नहीं होता है। और अगर आप ऑन कैमरा माइक यूज़ करते हो तो आप वो डिस्प्ले यूज़ नहीं कर सकते, तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। कैनन M50 के अंदर ये डिसएडवांटेज नहीं है, उसके अंदर आता है फुली आर्टिकुलेटिंग डिस्प्ले, यानी आप उसको पूरा बाहर निकाल के अपने तरफ भी फेस कर सकते हो, वो साइड से होता है, तो आप उसको अपने YouTube के लिए यूज़ कर सकते हो, आप उसको ब्लॉगिंग के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो वाइल वॉचिंग योरसेल्फ। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कैनन M50 Mark II के अंदर। फिजिकल फीचर्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जानना जरूरी है कि दोनों ही कैमराज के अंदर टच स्क्रीन है, लेकिन सोनी A6400 के अंदर फॉर सम रीज़न आप मेन्यू के अंदर टच स्क्रीन को यूज़ नहीं कर सकते, आपको डायल और उसके साथ में यूज़ करना पड़ता है। आप शूटिंग के लिए, फोकस के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए आप उसको टच स्क्रीन को यूज़ कर सकते हो। कैनन M50 में ऐसा नहीं है, आप टच स्क्रीन को मेन्यू के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और शूटिंग के टाइम भी यूज़ कर सकते हो। अब फिजिकल फीचर्स में एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे वीडियो ने मिस किया है, कि सोनी A6400 के अंदर वेदर सीलिंग है, यानी जो बॉडी है वो वेदर सील्ड है, तो यानी आप बाहर की बारिश में उसको यूज़ कर सकते हो, आप स्नो में ले जाकर उसको यूज़ कर सकते हो, और आप उसको चैलेंजिंग कंडीशन में यूज़ कर सकते हो, जो कैनन M50 के अंदर आप नहीं कर सकते। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो फिजिकल फीचर्स की सारी बात हो गई, तो अब बात करते हैं फोटोग्राफी रिलेटेड फीचर्स की। तो फोटोग्राफी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फोकसिंग पॉइंट्स, यानी कितने नंबर ऑफ फोकसिंग पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो कैनन के अंदर जो आपको M50 Mark II के अंदर मिलते हैं 143 ऑटो फोकस पॉइंट्स, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन जो बहुत सारे वीडियोस मिस कर जाते हैं कि 143 ऑटो फोकस पॉइंट्स आपको तभी मिलते हैं जब आप सिलेक्टेड नेटिव लेंसेज यूज करते हो, यानी EF-M माउंट के जो नेटिव लेंसेज हैं वही किसी सिलेक्टेड लेंस के साथ में आपको 143 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलते हैं, बाकी कंपैटिबल लेंसेज के साथ में आपको सिर्फ 99 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलेंगे। फोकसिंग एरिया जो रहेगा, यानी जो रेजोल्यूशन है, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। जब 99 ऑटो फोकस पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो वर्टिकल थोड़ा सा एरिया और नीचे जो बॉटम का एरिया है उसमें थोड़ा सा ऑटो फोकस पॉइंट जो है मिस होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है एरिया। कंपेयर करते हैं सोनी A6400 से, सोनी A6400 के अंदर 425 ऑटो फोकस पॉइंट्स है, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से भी ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट्स है। अब ऑटो फोकस के मामले में दोनों कैमरास अच्छे हैं, लेकिन सोनी के डेफिनेटली पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड सोनी का जो ऑटो फोकस है, दैट सोनी क्लेम्स कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ऑटो फोकस है, 0.2 सेकंड्स के अंदर या उससे भी कम में वो फोकस कर लेता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोई हाई स्पीड सिचुएशन में शूट कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स में शूट कर रहे हैं या वेडिंग में शूट कर रहे हैं जहाँ बहुत मूवमेंट होता है, तो वहाँ पर स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटो फोकस अगर स्पीड ही नहीं ले पाएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा, तो अच्छी इंपॉर्टेंट शॉट्स जो है वो मिस हो जाएंगी। तो ये पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो फोकसिंग पॉइंट की बात करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं, आई ऑटो फोकस। तो ये नई टेक्नोलॉजी है और दोनों कैमरास के अंदर आई ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन है, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन दोनों कैमरास के अंदर है, लेकिन थोड़ी अलग अलग लिमिटेशंस है। अगर हम बात करते हैं कैनन M50 Mark II के अंदर, तो अगर फोटोग्राफी मोड में भी अगर आप ऑटो फोकस S यानी AF सर्वो मोड यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर आई ऑटो फोकस यूज़ नहीं कर सकते हो, वीडियो में भी डेफिनेटली यूज़ नहीं कर सकते हो। AF-S मोड में अगर आप यूज़ करने की कोशिश करोगे तो फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस ऑन हो जाएगा, वो भी काफ़ी अच्छे से चलता है। सोनी के अंदर बात करें अगर A6400 के अंदर, तो उसके अंदर एनिमल एंड ह्यूमन दोनों ही आई डिटेक्ट ऑटो फोकस काम करता है सारे फोटोग्राफी मोड्स में, और वीडियो मोड के अंदर दोनों ही आई ऑटो फोकस वर्क नहीं करते हैं, फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस वर्क करता है।
तो दोनों कैमरास को आप कंपेयर करते हैं फोटोग्राफी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से, जो कि है फ्रेम्स पर सेकंड इन बर्स्ट मोड, यानी फोटोग्राफी में कितने सारे शॉट्स आप लाइन से ले सकते हो, यानी हाई स्पीड फोटोग्राफी के लिए कितने फ्रेम ले सकते हो। अब अगेन आप दूसरे वीडियोज अगर आप जाके देखोगे तो वहां पर सिर्फ कह देते हैं कि 11 फ्रेम्स पर सेकंड शूट करता है सोनी और 10 फ्रेम्स पर सेकंड शूट करता है कैनन। अब ये इंफॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड है एंड इट्स नॉट इनफ टू मेक अ डिसीजन कि कौन सा कैमरा आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो सही इन्फॉर्मेशन जो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। सोनी में डेफिनेटली 11 फ्रेम्स पर सेकंड आप शूट कर सकते हो मैक्सिमम शटर्ड मोड पे, लेकिन सोनी का जो बफर है दैट अकाउंट्स फॉर 116 जेपीजीज और 46 रॉ इमेजेस, यानी एक सिंगल बर्स्ट में आप 11 फ्रेम्स पर सेकंड शूट करते हो लेकिन 116 जेपीजीज तक उसको कंटिन्यू रख सकते हो और 46 रॉ तक उसको कंटिन्यू रख सकते हो, यानी ऑलमोस्ट 4 सेकंड्स तक आप डेफिनेटली लगातार बर्स्ट मोड में शूट कर सकते हो। अगर कंपेयर करें इसको कैनन के बर्स्ट मोड से तो डेफिनेटली 10 फ्रेम्स पर सेकंड आप शूट कर सकते हो, लेकिन M50 Mark II में जो बफर है सिर्फ 10 रॉ इमेजेस का या 33 जेपीजी इमेजेस का ही है, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का डिफरेंस है बफर साइज में दोनों कैमरास के। अब इसका कंसिडरेशन या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मान लीजिए आप वेडिंग फोटोग्राफर या वेडिंग फोटोग्राफी आपने ये कैमरा खरीदा है तो जहां पर वरमाला डल रही है या रिंग सेरेमनी में अंदर अगर रिंग डालने का जो इंपॉर्टेंट मोमेंट है वो आपको कैप्चर करना है तो आप बर्स्ट मोड पे डेफिनेटली खींचोगे। एंड सोचिए आपका कैमरा जो है आपने बर्स्ट मोड पे लगा रखा है एंड इतने में आपका बफर फुल हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट ही आप कैप्चर नहीं कर पाए बिकॉज आपका बफर फुल हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोग कवर नहीं करते हैं, उसके कारण गलत डिसीजंस लेके गलत कैमरा लेने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट या ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फोटोग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स की मैंने बात कर दी एंड आई होप कि जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी बताई जो दूसरे वीडियोस में कवर नहीं की गई हैं उससे आपको कुछ हेल्प मिल रही हो। अगर हेल्प मिल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना कि डेफिनेटली आपकी हेल्प हुई। तो फोटोग्राफी के सारे फीचर्स हो गए कवर, अब बात करते हैं वीडियो फीचर्स में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं कवर करना चाहूँगा वो है स्टेबलाइजेशन। सोनी के A6400 के अंदर कोई स्टेबलाइजेशन नहीं आता है, जो M50 Mark II उसके अंदर स्टेबलाइजेशन आता है सिर्फ वीडियो के अंदर, ओनली डिजिटल स्टेबलाइजेशन, यानी ऑप्टिक्स जो है कैमरा के वो मूव नहीं हो रहे, जो भी स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो डिजिटली हो रहा है, यानी थोड़ा सा आपको क्रॉप मिलेगा वीडियो मोड के अंदर जब आप डिजिटल स्टेबलाइजेशन यूज़ कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इससे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा कि मैं अपने वीडियोज़ के लिए स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा अगर मुझे A6400 में, तो एक सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोफेशनल वीडियोज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप एडिटिंग वैसे भी करोगे। इसका मतलब है कि आप अपने जो भी फुटेज आपने लिए है सोनी A6400 से अगर आप खरीदते हो तो आप जाके कंप्यूटर में भी उसको उतना ही स्टेबलाइज कर सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन होता तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता फीचर्स में, इसलिए मैं दोनों को बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अनलेस आपके पास में कोई भी एडिटिंग टूल्स नहीं है, आपको बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं आती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के अंदर कौन कौन से फ्रेम रेट सपोर्टेड है। मैं बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स आपको पढ़ के बताऊंगा कि मैंने रिसर्च के बाद नोट करके रखी है। तो कैनन के M50 Mark II के अंदर आप शूट कर सकते हो 4K वीडियो 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे, फुल HD वीडियो शूट कर सकते हो 24, 30 एंड 60 फ्रेम्स पर भी, और 720p जो वीडियो शूट कर सकते हो आप 60 फ्रेम्स पर और 120 फ्रेम्स पर सेकंड शूट कर सकते हो, यानी 60 फ्रेम शूट करना है तो फुल HD शूट करना पड़ेगा, 120 शूट करना है तो 720p शूट करना पड़ेगा, और 4K में 24 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो आपकी मैक्सिमम लिमिट है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानना जरूरी है कि 4K में सारे मोड में, यानी 4K अगर आप शूट कर रहे हो M50 Mark II के साथ में तो आपको क्रॉप डेफिनेटली मिलेगा। अब क्रॉप का मतलब ये क्या है कि आपने अगर वीडियो को फ्रेम ऐसा सेट कर रखा है और जैसे ही आप 4K रिकॉर्ड करोगे तो थोड़ा सा वीडियो जो है वो क्रॉप हो जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉप फैक्टर इन वीडियो। इसके बारे में अगर आपको समझना है तो सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में बनाने वाला हूं, सारी डिटेल्स समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं A6400 के अंदर जो वीडियो मोड्स हैं उसके अंदर 4K के अंदर है 24 फ्रेम्स पर सेकंड, 25 फ्रेम्स पर सेकंड और 30 फ्रेम्स पर सेकंड, फुल HD के अंदर है 24, 25, 30, 50, 60 एंड 120 फ्रेम्स पर सेकंड, यानी सोनी के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फुल HD वीडियो आप 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर शूट कर सकते हो। तो जो भी वेडिंग वीडियोग्राफर्स हैं, कॉर्पोरेट वीडियोज हैं, एड शूट करते हैं, उनके लिए 120 FPS बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फुल HD में 120 FPS आपको सोनी पे मिलेगा, वो आपको कैनन में नहीं मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ एक्चुअली है कि सोनी के अंदर जब आप कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग मोड यूज़ करोगे तो कैनन से डेफिनेटली आपको बिट रेट जो है वो थोड़ा हाई मिलता है, इसका मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन कैमरा कलेक्ट कर रहा है वो थोड़ी ज़्यादा कलेक्ट करता है, तो इससे आपको डेफिनेटली ज़्यादा हेल्प होगी जब आप वीडियोज़ को एडिट करने जाओगे। अगर क्रॉप की बात करें तो सोनी A6400 के अंदर कोई भी मोड के अंदर क्रॉप नहीं है एक्सेप्ट वन, यानी 4K में 24, 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे आप शूट कर सकते हो विदाउट एनी क्रॉपिंग, सिर्फ 1.2x का क्रॉप आता है अगर आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड 4K में शूट करते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप 4K 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट करोगे आपको कोई भी क्रॉप देखने को नहीं मिलेगा।
वीडियो के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं कि कैनन M50 मार्क टू के अंदर 29 मिनट्स 59 सेकंड यानी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिट है जिसको अभी एट दिस पॉइंट रिमूव करना मुश्किल है। तो एक बार आपका कैमरा 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग करेगा उसके बाद वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, रिकॉर्डिंग बंद करना बंद कर देता है। लेकिन कैनन सोनी A6400 के अंदर ऐसी कोई भी रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत सारे वीडियोज मिस कर जाते हैं। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट इंटरव्यू शूट कर रहे हो, आप वेडिंग में वीडियो शूट कर रहे हो, तो आपका अगर कैमरा ही बार बार रुक जाता है फॉर स्पेसिफिक टाइम्स, तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि रिकॉर्डिंग लिमिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग फैक्टर है, इसलिए ये चीज आपको कंसिडर करना जरूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस कर जाते हैं जब वीडियो की बात होती है कि सोनी A6400 जब 4K में शूट करते हैं आप, तो वो टेक्निकली 4K वीडियो शूट नहीं करता, वो 6K वीडियो शूट करता है, क्योंकि वो फुल सेंसर का यूज करता है एंड देन वो 6K वीडियो को लेके वो डाउन सैंपल करके 4K में आपको डिलीवर करता है। तो इससे एडवांटेज ये होता है कि आपको ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग मिलती है, आपका वीडियो डेफिनेटली शार्पर आता है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आप उसको कलर ग्रेड करेंगे, आप उसको कुछ एडिटिंग करेंगे, तो आपको जो चॉपीनेस है वीडियो में नहीं आएगी एंड डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत सारे लोग बिल्कुल मिस कर जाते हैं वीडियोज के अंदर बात करना। वीडियो के अंदर एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं कि कैनन के अंदर कोई भी लॉग रिलेटेड फीचर्स नहीं है M50 Mark II के अंदर, यानी आपने जो शूट कर लिया एग्जैक्टली वही का वही वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन सोनी A6400 के अंदर आपके पास में HLG यानी हाइब्रिड लॉग गामा S-Log2, S-Log3 और डिफरेंट अलग अलग पिक्चर प्रोफाइल्स का ऑप्शन मिलता है, आप उनको कस्टमाइज भी कर सकते हो। और इसका मतलब यह कि आपको जब वीडियो शूट करोगे आपको डायनेमिक रेंज बहुत मिलेगी, आप फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल में शूट कर सकते हो, इसका मतलब आप ग्रेड कर सकते हो बहुत ब्यूटीफुली, यानी आपके पास में क्रिएटिव कंट्रोल रहता है उसको शूट करने के लिए और एडिट करने के लिए। सोनी A6400 में बहुत अच्छा कंट्रोल्स है, लेकिन M50 Mark II के अंदर आपको ये ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे और आप एक लिमिट तक ही कलर ग्रेड को पुश कर सकते हो, जिसके बाद वीडियो जो है उसमें बहुत सारे आर्टिफैक्टिंग होने लग जाती है या नॉइज इंट्रोड्यूस होने लग जाती है। तो अगर आप प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हो, आप कोई भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड दिस इज वेयर सोनी टेक्स द केक। तो वीडियोस में एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं इस प्रोफेशनल लेवल टूल्स जो आपको चाहिए। देखिए, आप जब प्रोफेशनल वीडियोस बनाते हो तो आप सिर्फ कैमरा को उठा के शूट नहीं करने लग जाते हो, आपको एक्सपोजर भी प्रॉपर सेट करना होता है, आपको फोकसिंग भी प्रॉपर सेट करनी होती है, आपको बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स को कंसिडर करना पड़ता है जब आप शूट कर रहे हो। तो सोनी के अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल फीचर्स आते हैं, कैनन के अंदर M50 Mark II के अंदर कोई भी प्रोफेशनल फीचर्स नहीं है। अब कौन से प्रोफेशनल फीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप फोकस पिकिंग सेट कर सकते हो, आप अपने ऑटो फोकस की स्पीड को कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप ज़ीब्रा सेट कर सकते हो यानी इससे आप एक्यूरेट एक्सपोजर ले सकते हो, और बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स यानी कस्टमाइजेशन के अंदर फीचर्स हैं, प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप अपने कैमरा के अंदर डायरेक्टली। तो ये सब फीचर्स के कारण जो A6400 है वो प्रोफेशनल लेवल टूल्स आपको देता है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और A6400 के अलावा जब M50 Mark II की बात करें तो वो थोड़ा सा एक हॉबी कैमरा के जैसा लगता है जिसमें आप बेसिक वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल लेवल टूल्स आपको कोई भी नहीं मिलेंगे। तो दोनों कैमरास को मैंने बहुत अच्छे से कंपेयर कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के कंपेयर कर ली हैं, इससे आपको समझ में आ गए होंगे एक्चुअल डिफरेंसेस कैमरा में क्या हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना या लाइक करके या सब्सक्राइब करके बता देना कि एक्चुअल में आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ फ़ायदा मिल रहा है। अब बातें हैं पते की बात पे कि कौन सा कैमरा लेना चाहिए। अब आप स्मार्ट तो हो, आपने भी गूगल कर लिया होगा कि प्राइस क्या है। तो सिंपल सी बात है, कैनन M50 Mark II का अप्रॉक्सीमेट प्राइस इज अराउंड 57,000 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन कौन सी किट ले रहे हो, और सोनी A6400 का जो प्राइस है इज अराउंड 80,000-83,000 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन कौन सा किट ले रहे हो, यानी 20,000 रुपये तक का अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस है दोनों कैमराज के अंदर। तो कौन सा कैमरा लेना चाहिए, एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है एंड उसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा कैमरा आपके लिए। तो सवाल है, क्या आप अपने कैमरा से पैसा बनाना चाहते हो या पैसा बनाने की उम्मीद रखते हो? अगर इस सवाल का जवाब है हाँ, तो आपके लिए राइट कैमरा है सोनी A6400, नहीं तो आपके लिए सही कैमरा है कैनन M50 Mark II। अब देखिए, जैसे मैंने बताया सोनी A6400 के अंदर प्रोफेशनल लेवल टूल्स हैं, प्रोफेशनल लेवल के फीचर्स हैं, प्रोफेशनल काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं कैमरा के साथ में, वो पैसा भी कमाते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करेंगे तो पैसा कमाएंगे, अगर वीडियोग्राफी करेंगे, वेडिंग वीडियो बनाएंगे, कॉर्पोरेट वीडियो बनाएंगे, एड मूवी शूट करेंगे, डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे, शॉर्ट मूवी शूट करेंगे, तो पैसा कमाते हैं। तो अगर आप अपने कैमरा से पैसा नहीं कमाना चाहते या नहीं कमाने की उम्मीद रखते हो, तो इतना पैसा लगा के फ़ायदा ही क्या है जब आप प्रोफेशनल लेवल का काम नहीं करोगे, तो फिर M50 ले लो। अगर प्रोफेशनल लेवल का काम करना चाहते हो, उम्मीद है ट्रेनिंग लेना चाहते हो,
तो डेफिनेटली 20,000 रुपये को मत देखो, इन्वेस्ट करो, क्योंकि प्रोफेशनल के पास प्रोफेशनल टूल्स होना ज़रूरी है, तभी वो काम कर पाएगा। अब अगर आप सोचो आपने M50 Mark II ले लिया और बोला कि मैं तो वेडिंग फोटोग्राफी करूँगा, और आपने शूट करना चालू किया और बर्स्ट मोड ही फुल हो जाता है और आप इंपॉर्टेंट मोमेंट्स मिस कर जाते हो, तो कौन आपको हायर करेगा रेगुलर वर्क के लिए? लेकिन अगर आपने एक बार भी अच्छा काम किया तो 2-3 बार के अच्छे वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ में आप अपना जो 20,000 का बजट है वो आराम से निकाल पाओगे। तो दिस इज वाई मैं बोलता हूँ प्रोफेशनल काम करना है तो प्रोफेशनल कैमरा लेना पड़ेगा। अब अगर आप मुझे बोलो कि मुझे तो प्रोफेशनल काम ही कर रहा है लेकिन मेरे पास बजट नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे अफोर्ड करूँगा प्रोफेशनल लेवल टूल्स यानी A6400? तो उसका भी बहुत सिंपल सा जवाब है, लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो जो साइड में दिख रही है वो पहले जाकर देखनी पड़ेगी, फिर मैं आपको सवाल का सही जवाब दूंगा। अब सिंपल सा जवाब है, कैसे आप अफोर्ड कर सकते हो A6400 अगर आपके पास बजट नहीं है? आंसर है, यूज्ड खरीद लो।